सरोकार। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का निधन, कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि अर्पित। नाटू नाटू गाने का राज्यसभा में गूंजा, जय बच्चन ने फिल्म की पूरी यूनिट को ऑस्कर के लिए दी बधाई। नवरात्रि और रामनवमी पर यूपी के हर जिले में डीएम को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश ने उठाए सवाल, कहा 10 करोड़ देने चाहिए। सुल्तानपुर में रेल कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी, कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ की मांग। गाजियाबाद में गौरक्षा दल ने चलाया चेकिंग अभियान, भारी मात्रा में गायों को किया बरामद, जांच कर गायों को किया मालिक के हवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने विशेषज्ञ वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया है। उन्होंने 78 साल की अंतिम सांस ली है। बता दें कि उनके निजी सहायक मोहन और उनके निधन की जानकारी दी। वेद प्रताप ने 1958 से पत्रकारिता की शुरुआत की। देश में बड़े पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान होती थी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही कमलनाथ ने ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वेद प्रताप वैदिक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए मुहैया कराने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रामनवमी मनाने के लिए सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत है, पर इसकी कम रकम होना से क्या होगा, कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए थे जिसके सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। सुल्तानपुर जंक्शन स्टेशन पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सरकार और रेलवे प्रशासन के रवैये और एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए रेल कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजनेता ओपीएस का लाभ ले रहे हैं और उन्होंने हमारे कर्मचारी रात दिन ड्यूटी करते हैं, फिर भी उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिलता। वहीं रेलवे ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी लेकर जाते समय हमें रंगीन रूम में फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, जिस वजह से घर वालों से बात नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें और हमारे घर वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर तो अभी आदेश था पहले कि वो स्विच ऑफ कर दीजिए और गाड़ी चलाइए। ठीक है, हम लोग साइन ऑन करने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जब तब तक मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता जब तक गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँच जाती। ये तो ठीक था अभी तक इनका फरमान। फिर अभी जो है, अब हम गाड़ी रनिंग पहुंचाने के बाद भी जो है हम उसका स्विच ऑफ रखेंगे, अपने परिवार के साथ बात नहीं कर पाएंगे। और अभी ये जब से यहाँ पे एक दुर्घटना हुई तब से ये फरमान जारी हुआ है कि रनिंग रूम में भी आप जो है मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे, या तो वहाँ जमा करा लिया जा रहा है। ये सब तुगलकी फरमान जो है हम लोगों के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी सामाजिक प्राणी हैं। ओपीएस लाने की बात केंद्र सरकार अपनी बातों से पीछे हट रही है। हम चाहते हैं कि समस्त कर्मचारियों के जिस प्रकार से राजनेता ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, वो भी अब आराम से बैठ करके पेंशन के हकदार बने हुए हैं। हमारे कर्मचारी रातों दिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा मेरा मुद्दा यह है कि पूरे डिवीजन में इस प्रकार की प्रशासन के द्वारा हमारे सहायकों के साथ, ड्राइवरों के साथ इस प्रकार की तानाशाही की जा रही है। वो बेचारे ड्यूटी करके आते हैं, जब वो साइन ऑफ कर देते हैं, साइन ऑफ करने के बाद रनिंग रूम में जब वो पहुंचते हैं रेस्ट करने के लिए, तो उनका मोबाइल जमा कर लिया जाता है। आप ये बताइए कि ये कहाँ का तुगल की फरमान है कि लोग मोबाइल को आप जमा कर लेंगे, क्या ड्यूटी ऑफ होने के बाद लोग अपने बाल बच्चों से बात नहीं करेंगे।
गाजियाबाद मसूरी थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर गौ रक्षा दल के लोगों ने गाड़ियों को रोककर चेकिंग की और भारी मात्रा में गाय बरामद की। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी गायों को मालिकों द्वारा किए गए कागजातों की चेकिंग की, जिसमें सब कुछ सही पाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और गायों को उनके मालिकों के हवाले कर दिया गया। बता दें कि सभी गायों को गौशालाएं के कागजात मालिकों के पास मौजूद थे, जिसके आधार पर सभी मालिकों को गाय वापस कर दी गई। करीब 10 बजे थाना क्षेत्र मसूरी में एक सूचना मिली, जिसमें दो ट्रक में अवैध तरीके से गायों का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, ये सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जाके ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। इसमें ये पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे वैलिड थे। उसके बाद डॉक्टर को बुला के पूरे गायों का और ट्रक का चेकिंग किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की पशु क्रूरता नहीं पाई गई। जिसने सूचना दी थी वो आवेदक को भी आवेदक की भी संतुष्टि हो गई है और इस प्रकरण में पुलिस आगे की जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर विद्युत निगम में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सभी कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बिजली प्रभावित ना हो इसके लिए विद्युत निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। बता दें कि विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 15 मार्च तक 72 घंटे कार बहिष्कार करेंगे। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामभूल सैनी ने बताया कि 72 घंटे के लिए विद्युत कर्मचारी कार बहिष्कार और हड़ताल कर रहा था। उनका कहना है कि संविदा कर्मचारी विद्युत विभाग का लगभग 90% कार्य करते हैं, लेकिन उनको केवल 10% मात्र ही दिया जाता है। वहीं प्रदेश महामंत्री रामभूल सैनी ने बताया कि संविदा कर्मियों का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया तो इस 3 दिन की हड़ताल के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। निर्माण किया गया जो विद्युत संविदा कर्मचारी संघ महासंघ उत्तर प्रदेश के नाम से उसका नाम दिया गया और हमारी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमें एक महासंघ के द्वारा शक्ति भवन मुख्यालय हमारा एक नोटिस लगाया गया, जो 12 सूत्रीय मांगों को हमारे संविदा कर्मियों की टोटल मांगे उसमें हैं कि उसके लिए हमारा जो है ना निस्तारण किया जाए, हमारी जो मांगे हैं उनकी पूरी की जाए। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं करते हैं तो 13 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार पर रखेंगे और कार्य बहिष्कार हमारा 72 घंटे के लिए रहेगा, 13 तारीख से 15 तारीख तक के लिए। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 तारीख को हमारी प्रबंधन से वार्ता भी हुई है और वार्ता में हमारे 12 के 12 बिंदुओं पर गाजियाबाद में 4 वर्ष की बच्ची के साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया, जहां एक हैवान पिता ने गोद ली हुई 4 वर्ष की बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया और राज खुलने के डर से मंदिर में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और घर में उसका शव छुपाकर पुलिस को लापता होने की सूचना दे दी। बता दें कि आरोपी ने अपनी पत्नी के मुंह बोले भाई की बेटी को गोद लिया था, जिसके बाद वो लगातार बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। वहीं जब बच्ची के पिता की शिकायत करने की बात कही तो उसने बच्ची की हत्या कर दी। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी और शव को ठिकाने लगाने में शामिल दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो इससे आपका क्या संबंध है? ये मैंने गोद दे रखी थी। कहाँ पे रहते हैं? डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी में। तो ये बच्ची कब से गायब थी? कल दोपहर 3 बजे से। आपने शिकायत दी थी पुलिस में कहीं? तो बच्ची की उम्र क्या है? 4 साल। तो अभी किस स्थिति में बच्ची मिली थी? पुलिस वालों ने फोन किया था तो फिर जब हम सब आए। तो आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई थी इसकी बच्ची गुम होने की? चौकी में। चौकी में तो कुछ जानकारी हुई, मतलब वहाँ से कौन किसके साथ गई थी, कैसे गई थी? ऐसा था, ये हमारी मोबाइल की शॉप है। इसकी जो थाना टीला मोड़ की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम तथा ट्रांसजेंडर जोन की जो SOG टीम थी, इन्होंने अनवरत रूप से इस पे प्रयास करके इस घटना का अनावरण किया। इस घटना के अनावरण से ये प्रकाश में आया कि अजय भाटी, जिसने इस बच्ची को गोद लिया था, उसने इस बच्ची की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो